नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चंदना और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो है वाव शैम्पू की रिव्यू के बारे में। ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है, मैंने यूज़ करने के बाद मैं आपके साथ ये रिव्यू शेयर कर रही हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये है वाव शैम्पू। वाव ये वाव शैम्पू है जो मैंने परचेज़ किया था अमेज़ॉन से और जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा था 400 रुपीज़ में। तो इसका रिव्यू आज हम लोग शेयर करते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, इसीलिए इसका ये पूरा खाली हुआ हुआ है। एंड ओके, इसमें लिखा हुआ है कोकोनट मिल्क शैम्पू। ये वाला जो मैंने ऑर्डर किया है, ये कोकोनट मिल्क शैम्पू मैंने ऑर्डर किया है। इसमें आपको और एक मिल जाता है एप्पल सीडर विनीगर वाला भी, पर मैंने ये ऑर्डर किया है। ये जो क्लेम करते हैं वो है नो सल्फेट, नो पैराबिन्स, नो सिलिकॉन एंड नो सॉल्ट कलर। इसमें सच्ची में कोई कलर नहीं है। ये पंप ट्यूब में आता है, आप देख सकते हो। ये बहुत ही हैंडी है, ये पंप में आता है। पर बहुत दिन यूज़ करने के बाद जब एंड में चला गया मेरा ये शैम्पू का कन जो है इसके अंदर शैम्पू, तो ये पंप काम करना बंद कर दिया है। तो मैं इसको आपको खोल के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। ये वाइट कलर का है कोकोनट मिल्क शैम्पू और इसका स्मेल जो है बहुत ही अच्छा है। ऐसा लगता है पूरा कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट का जो स्मेल होता है, इसका स्मेल भी बिल्कुल वैसा है। और इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत ही लाइट और माइल्ड है। इसमें कोई सच्ची में कलर नहीं है, लेकिन ये इसका जो झाँक है, जो लेदर है, उतना ज़्यादा होता नहीं है, बहुत ही कम लेदर होता है। ये हेयर फॉल कंट्रोल करता है कि नहीं करता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा हेयर फॉल इसको लगाने के बाद घटा भी नहीं, बढ़ा भी नहीं, एवरेज काम किया है। पर हाँ, इसने कोई हार्म नहीं पहुंचा है मेरे हेयर को। लेकिन इसको मेरा कर्ली हेयर और बहुत ही ज़्यादा थिक हेयर होने की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको लगाना पड़ता है। अगर आप रात को ऑयलिंग करने के बाद इसको यूज़ करने की सोच रहे हो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट के आपको ये लग जाता है। इसके लिए मुझे पहले किसी और शैम्पू से हेयर को धोने के बाद उसके बाद इसको यूज़ करना पड़ता है। इसको अगर आप अपनी इसकी जो वाव शैम्पू की जो कंडीशनर है उसके साथ यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। बहुत ही सिल्की स्मूथ होता है, लगाने के बाद भी इसका स्मेल बहुत ही अच्छा रहता है। और ये तकरीबन 2 से 2.5 महीने तक तो चल ही जाता है। इसका बॉटल जो है 300 ml का मिल रहा है हम लोगों को ये बॉटल। इसका बॉटल का जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है और इसमें कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, ग्लूटेन फ्री है, 100% वेगन है, एनिमल फैट इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ये नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट है। तो अच्छा लगा मुझे वाव शैम्पू, उतना बुरा भी नहीं है। अगर आप कुछ अच्छा चीज़ यूज़ करना चाहते हो तो ये है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था, लेकिन इसके लगाने के बाद थोड़ा कम तो हुआ ही है। मैंने पहले भी बोला है कि ये हेयर फॉल को बढ़ाया नहीं है और घटाया भी नहीं है, मिनिमम रख दिया है। तो ये था कोकोनट मिल्क। इसके बाद मैंने सोचा है कि मैं एप्पल सीडर वाला भी ट्राई करूँगी। तो जब मैं ट्राई करूँगी उसका रिव्यू मैं आपको दे दूँगी। आप लोगों में से अगर किसी ने भी इसको यूज़ किया है या इसके और भी ज़्यादा कुछ बेनिफिट आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, अगर कमेंट करके मुझे बताइए। तो ये था आज का रिव्यू वाव शैम्पू के ऊपर। अगर आपको पसंद आया है मेरा चैनल और मेरे प्रोडक्ट रिव्यू तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और तब तक के लिए नमस्ते, बहुत खुश रहिए, बाय।